बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन फ्रेंड्स क्लब। टॉपिक सोचिए क्या हो सकता है। टॉपिक आज का ये है, देखिए स्वैपिंग करके दिखाते हैं आपको। हिला है आज का टॉपिक है, कैसे प्रूनिंग करते हैं बड़े पेड़ बनाने के लिए शुरू से। जैसे मान लीजिए ये है कि मेरा पेड़ ये है, इसको देखिए, इसको मैंने शुरू से तैयार किया है। दो साल के ऊपर है, ढाई साल। इसको मैंने शुरू से पूर्ण किया है, ठीक। अभी तो लगी हो रही है ये, अभी नहीं पूर्ण कर रहा हूँ उसको, अभी थोड़ा इंतज़ार करूँगा, उसके बाद देखते हैं कि अभी डिसीजन नहीं लिया इसके ऊपर पूर्ण करने के लिए। लेकिन देखिए मेन चीज़ ये होती है कि फ़ैसला लेना, कब आप फ़ैसला ले रहे हैं, कब आपको क्या करना है किसी चीज़ के लिए। कभी कुछ और डिसीजन आप ले सकते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए कुछ और डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए डिसीजन दूसरा हो सकता है, किसी और के लिए डिसीजन दूसरा हो सकता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी, कुछ और पेड़ हैं वो भी काफ़ी लगी हो रहे हैं, लेकिन उनको मैं प्रून नहीं करूँगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उनको मैं प्रून नहीं करूँगा, लेकिन इस पेड़ को इसकी तरह बनाने के लिए अभी से इसको प्रून करना लाजमी है। अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर नवंबर तक जो है ये आराम से कल्ले दे देगा, मज़े से हील हो जाएगा। जाड़े में जो ये इसका चला जाएगा हाइबरनेशन में आराम से, कुछ नबाड़ होगी ना कुछ, पेड़ कम एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा। फरवरी में अच्छे से कल्ले और आएंगे और बढ़िया से जो पेड़ होने लगेगा। तो ये देख लीजिए, इसको प्रून करने का भाई अपना पुराना तरीका है, लेकिन देखिए इसमें देख लीजिए ध्यान से, फोकस इस तरह से करते हैं, घुमाते हैं ताकि पूरा आ जाए। ये दोनों शाखें हैं, अभी इनको मैं प्रून नहीं करूँगा, मेन चीज़ ये है। तो कई आँखें यहाँ आ रही हैं, इनको छोड़ा, ये पक्की है, इसको मैंने यहाँ से कट मार डाला। ये है, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से करूँगा, क्योंकि अब एक आध दो बारिश जो होगी, बारिश का ख़तरा नहीं है, बारिश में फूंक कर सकते हैं आप। अंदर रखने की जगह है, बाहर रख दीजिए, नहीं होता है कुछ भी भाई, मैंने किया है इतनी बार, कुछ नहीं होता है। फाइल अच्छी होनी चाहिए बस आपकी। ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन मैंने इसको भी प्रून कर दिया, थोड़ा सा खड़ा कट मार रहा हूँ कि अगर बारिश वारिश हो कोई चीज़ हो तो ऊपर जो है इसके वो नहीं जमे, पानी नहीं जमे। एक एक प्रूनिंग का ये मार दिया, एक प्रूनिंग का ये मार दिया। अभी इसको थोड़ा छोड़ रखा है मैंने, इसको जो है थोड़ा सा गिरने दीजिए, इसको वो किसी सैप जो है किसी चीज़ से पोंछ दीजिए, या तो अब इसके ऊपर जो हम लगाएंगे फंगीसाइड। जब ये है टिश्यू, कोई भी कपड़ा ले लीजिए साफ, उससे पोंछ लीजिए इसको अच्छे से, इसका सैप चला जाए। रॉटिंग जो होती है वो एज से होती है, एज से। तो इसका तरीका ये होता है कि जिसकी जितनी एज है ये इसको उड़ा दीजिए। बोगन बोलिया कटिंग में भी एज हटा दी जाती है, बस इसीलिए ये उड़ा दीजिए। इसलिए इसको हटा दिया जाता है। देखा होगा बहुत से वीडियोस में आपने कि इसको हटा रहे हैं, लेकिन क्यों हटा रहे हैं नहीं पता होता। अब थोड़ा सा ये फंगीसाइड आपने लिया है इसमें जितना आपको लेना हो, ये एक एडहेसिव मिला रहा हूँ मैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस जैसे वो है उधर से वो उधर आया, उधर से उधर आया, उस तरह से प्लांट को
मैं बना सकूँ। कोशिश है कि मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं, वो तो ट्री बनाऊँगा मैं, इसको थोड़ा दूसरी चीज़ तरह से बनाऊँगा। तो ये फैसला लिया है मैंने उसको प्रून करने का अभी से। अब देखिए मैं कुछ और पेड़ दिखा रहा हूँ जिसको मैं प्रून नहीं कर रहा हूँ, और वो वजह भी बताता हूँ। जैसे ये पेड़ है, ये भी ओबेसम है, ये भी अच्छा खासा लगी हो गया है, लीफ आप देख रहे हैं शानदार है, फीट का कमाल। ये देख रहे हैं, निकाल के ऐसे दिखा देता हूँ, ये भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी नहीं प्रून कर रहा हूँ मैं इसको, उसकी वजह बताता हूँ अभी आपको। और ये तो सब चल रहा है, कम है कुछ इधर हैं लगी हो रहे हैं, जैसे ये है देखिए, ये लगी है, ये लगी है, ये भी अच्छा खासा लगी हो गया है, ये पूरी ब्रांच झूल गई, नहीं कर रहा हूँ उसको। इसकी एक वजह है, क्योंकि ये एक्सेप्शनली ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट वो जो प्लांट था वो थोड़ा ठहर सा गया था, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको। प्लांट जब थोड़ा सा ठहर जा रहा है तो मतलब ये है कि उसके मेटाबॉलिक सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको कुछ चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए उसको, कुछ ना कुछ है गड़बड़ चल रही है। तो इस वजह से उसको मैंने प्रून किया कि लगे हाथ प्रून कर दूँगा अभी, जब जैसे थोड़ा सा वो प्रून हील होगी, सूखेगा, और सूखा है ही वो, उसको 3 दिन बाद जो अच्छे से उसमें डाई डालिए, या एक काम करते हैं, लगे हाथ अभी डाई डालते हैं और हल्की सी नमी देते हैं उसको, ज़्यादा नहीं, ताकि वो बूम करे, वो ज़्यादा डाई नहीं देना है, ज़्यादा नमी देना, थोड़ी सी डाई देंगे उसको, थोड़ा सा मॉइस्चर देंगे ताकि वो कल्ले फोड़े। और ये बहुत शानदार ग्रोथ ले रहा है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरी ग्रोथ लेने की एक वजह ये भी है क्योंकि मैंने डायरेक्ट बड़े पार्ट में लगाया है इसको, वो भी एक वजह है कि उसको छोटे पार्ट में क्यों लगाया, इसको बड़े पार्ट में क्यों लगाया, ये जानते हुए कि ये बाढ़ ले लेगा, कि हाँ मुझे बाढ़ चाहिए इसकी, मुझे जल्दी बाढ़ चाहिए इसकी, लिया है मैंने। मुझे कॉडेक्स से कोई मतलब नहीं, मुझे ब्रांचेस से मतलब है, पेड़ को मैं फुल करना हूँ। कॉडेक्स तो कभी बन जाएगा, थोड़ा सा एक साल के बाद जो है अपलिफ्ट कर दिया, कॉडेक्स बन गया, अंदर उसके कॉडेक्स होगा, कॉडेक्स की कोई चिंता ही नहीं है। उसका ट्रांसप्लांटेशन का वीडियो आने वाला है, उसका वीडियो आज दिखा चुका हूँ कि वो बंच क्यों जो है वो जो है ख़राब होती रहती है, वो देख लीजिएगा आप लोग। ये भी शानदार चल रहा है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी कॉडेक्स बहुत अच्छे हैं, इस साइज़ के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई साहब अब तो आप लोग सब्ज़ी वालों की आवाज़ ही पहचान गए होंगे कि भैया कौन सब्ज़ी वाला आया है आपके पास में। चलिए इसको एडिट नहीं करूँगा, अच्छा लग रहा है मुझे आज ही। तो थोड़ी सी डाई इतनी सी ये लिया और डाल दिया, अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा मोशन नहीं करना है, थोड़ा सा डाई उसमें डिसॉल्व हो जाए तो बहुत गुड़, बस काफ़ी है इतना, डाई को डिसॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ ताकि वो उसको चलाया नहीं, थोड़ा ये भागे और उसके कल्ले फोड़ दे बस। अब इसमें क्या करना है, 4-5-6 दिन बाद जो है आप अच्छे से डाई डालिए और जम करके इसमें जो है वो, अच्छे का मतलब जितनी अभी डाला है उसकी 2 गुना डालिए, 2 टाइम उसकी डालिए। ये हो गया आपका फाइनल वीडियो कि क्यों हम और कब जो है हमको कट करना है, कब हमको प्रूनिंग करनी है, क्यों करनी है, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, डिसीजन अलग अलग टाइम पे अलग चीज़ के लिए जाते हैं। थोड़ा सा ख़राब हो रही है हालत इसकी, गुलाब की, जो लोग गुलाब बना रहे हैं साथ मेरे, गुलाब पे वीडियो आने वाला है, इसमें क्या करना है कैसे करना है वो अगले व्लॉग में देखिएगा।